तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वयं क्लास धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर के आज बात करने वाले हैं। अभी सभी लोगों को पता है कि जैसे कि LP का भर्ती आपका जो भी आया था 5000 प्लस आया था, तो उसकी वैकेंसी को इंक्रीज़ करके 30000 लगभग कर दी गई है। ठीक है, वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है। और ये भी वैकेंसी कब इंक्रीज़ हुआ, जब रेल हादसा हुआ उसके बाद दुर्घटना हुआ तब जा करके वैकेंसी बढ़ा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों में ये भी आक्रोश है कि भाई, और AIRF है उसके डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए, और जितने भी रेलवे के जोन्स हैं ना, तो उसके डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेलवे में टेक्नीशियन की बहुत ही ज़्यादा सीटें खाली हैं। और ये शुरू से रात समय बात उठाया जा रहा है और अभी सभी को पता है। ठीक है, तो बहुत सारे टेक्नीशियन के बच्चों में भी आक्रोश, जिन्होंने सिर्फ टेक्नीशियन का ही फॉर्म भरा है, तो भाई उनके साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है। जब LP की वैकेंसी को इंक्रीज़ कर दी गई तो जेन्युइन थी, चलो तो आपको टेक्नीशियन की भर्ती इंक्रीज़ करनी चाहिए थी। और ये जेन्युइन रियल में डाटा, बहुत सारे जोन में, अलग अलग जोन में बहुत सारे टेक्नीशियन की भर्ती खाली है और ये भरना चाहिए, जो कि इन्होंने अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाला बहुत कम है। तो वीडियो का स्टार्ट इसके ऊपर चर्चा करने वाले, क्या करने वाले, कैसे हैं, बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं हैं, कब तक बढ़ेंगे, क्या हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है शिवम क्लासेस धनबाद 2.0 के नाम से। ठीक है, इसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये चैनल देखो बनाने का मेरे पास रीज़न है, क्यों रीज़न ये आप ही लोग इसके लिए बनाया गया है। क्यों बनाया है, क्योंकि देखो बहुत सारा वीडियोस उसमें उस चैनल में डलता था और इस चैनल में, तो क्या होता है टाइम का बहुत सारे वीडियो अपलोड करता था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का अपलोड करने के लिए टाइम के लिए गैप नहीं बच पाता था। तो मैं सोचा इस चैनल पर आपका बहुत सारा क्लासेस लगेंगी आपकी, ठीक है, और उस चैनल पर भी क्लासेस लगेंगी। ठीक है, रेलवे LP RP तो बहुत सारा क्राउड हो रहा था एक ही चैनल पर, इसके लिए मैंने अलग किया। बहुत सारा भी भविष्य आपको फायदा होने वाला, फ्री में बहुत सारी चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, तो इस चैनल को भाई पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो। आपका एक, अगर आप मुझे पर्सनली अपना समझते हो, है ना, आपको लगता है कि जेन्युइन चीज़ें पे मैं बातें करता हूँ, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे जो भी कुछ भी आपको, तो इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, टेक्नीशियन की भर्ती जो कि बहुत ही जेन्युइन है कि वैकेंसी आपको बढ़नी चाहिए, और ये जब रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई थी तो बढ़ करके वैकेंसी निकालनी चाहिए थी, जो कि रेलवे नहीं किया। ठीक है, LP भी वैकेंसी जैसे जैसे कम निकाल दिया, टेक्नीशियन का भी कम निकाल दिया था। तो जैसे कि रेल दुर्घटना हुआ उसके बाद रेलवे मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिर से वही रेल मंत्री बने, फिर से उन्होंने रेलवे का आपका दुर्घटना हुआ उसके बाद, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे देश के लिए कि हर दुर्घटना के बाद लोग कुछ सीख मिलता, तो उन्होंने रेलवे LP लोगों को पायलट की भर्ती भरा। तो सेफ्टी कैटेगरी में देखा जाए तो भाई टेक्नीशियन की भी तो आपको भर्ती भरनी होगी ना, क्योंकि AIRF का डाटा बोलता है कि लगभग टेक्नीशियन में 30,000 से 35,000 लगभग सीटें खाली हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड डाटा में है। और सभी रेलवे के जितने जोन है ना, उन्होंने अपना निकाला कितने कितने पदों पे, कितना जोन में, अलग अलग जोन में खाली है। तो ये सब चीज़ जानते हुए रेलवे मंत्रालय और राज्यसभा में बहुत सारे बातें उठ रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत तरह की बात है। और अब तक वैकेंसी निकाल करके आपको इसका एग्ज़ाम भी ले लेना चाहिए था, जो कि बहुत लेट है। तो टेक्नीशियन के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं भाई, बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं। बहुत लोगों का ड्रीम ही है कि टेक्नीशियन हमको जाना है। बहुत सारे लोग ITI इसलिए किए कि टेक्नीशियन का फॉर्म भरना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो LP का तैयारी नहीं कर पाए, नहीं फॉर्म भर पाए, या एलिजिबल नहीं थे LP के लिए, जिन्होंने ITI करा सिर्फ टेक्नीशियन के लिए। जब वेल्डर वाले बेचारे LP का फॉर्म नहीं भर रहे होंगे तो वो बेचारे एलिजिबल हो टेक्नीशियन के लिए। अब आप टेक्नीशियन कितना कम सीट दे दी और कितना फाइट होगा, बेचारा पिछले बार थोड़ा बहुत नंबर से रह गया, तो इस बार भी आप इतनी कम वैकेंसी निकालो तो क्या उसके मतलब उम्मीद क्या समझ में आ रहा है। जेन्युइन जो चीज़ है, सीट है, फिर भी आप स्टूडेंट को उनका हक नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह लोगों का हक को मारा जाता है, तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। तो इसी को मद्देनज़र रहते हुए आप लोग सोचो, ये सब सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि इतना इतना सीट खाली है, रेलवे जोन उनको डाटा दे रहा है, या AIRF है जो रेलवे और सब जितने भी सोर्सेस हैं वो भी उनको डाटा दे रहा है भाई कि इतना इतना, तो वो बढ़ा क्यों नहीं, इसका मतलब उसका मनसा साफ नहीं है। ये सीधा सीधा है कि स्टूडेंट विरोधी हैं भाई, आप दे नहीं रहे हो जेन्युइन चीज़ें जो हैं, क्योंकि देखो रेलवे में टेक्नीशियन की भर्ती कमी होगी तो दुर्घटनाएँ होने के ज़्यादा चांसेस हैं, वर्कलोड लोगों में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपका कल 4 जुलाई को प्रोटेस्ट रखा गया, एक सजेशन में भी आया था, मैंने अचानक देखा कल तो पोस्ट भी लगाया करो, 4 जुलाई को आप लोग भाई तैयार रहना, एक ट्विटर आंदोलन चलाया जाएगा, #रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी इंक्रीज। अच्छा ये देख लो आप लोगों को, ये आपका जो है मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दिया, इस तरह करके आपको #टैग चलाया जाना है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखो यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी ख़राब लगता है यार, हम लोग का जो अपना हक है जो आसानी से मिलना चाहिए था, उस हक के लिए भी हम लोगों को लड़ना पड़ता है, रोड पे आने पड़ता है, लोगों को मार खाना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, तो ये सबसे शर्मिंदगी वाली बात है। ठीक है,
तो क्या करोगे, अब ऐसा ही देश चलता है, जब तक आप किसी चीज़ के लिए नीट पेपर हुआ, ये पेपर लीक, लोग को पता है गवर्नमेंट को पेपर लीक हुआ यार तुरंत करो, लोगों पर कार्रवाई करो, तो लोग हक के लड़ाएंगे तब जाकर वो पेपर कैंसिल करेंगे, अगर लोग रोड पे नहीं आते तो पेपर भी कैंसिल नहीं करते, समझो किस तरह का डॉक्टर। तो ये ऐसा हाल हो गया हमको अभी तक, देखो इससे पहले भी ग्रुप डी का एग्जाम टाइम पे नहीं और तो उसके लिए कितने लोग आंदोलन किए, कितना मार खाया टीचर प्रोटेस्ट किए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब इसी के साथ जीना पड़ेगा, अडॉप्ट कर लो इसको, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कल एक छोटी सी मुहिम है और इस छोटी सी मुहिम को रेलवे के छात्र को बड़ा बना रहा है, क्योंकि रेलवे कमरे में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं यार जो इंग्लिश के डर से रेलवे का फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे गांव देहात के लोग हैं, बहुत सारे किसान के हैं, बहुत सारे हमारे जैसे मध्यम परिवार के लोग हैं यार जिनका एक ड्रीम होता है कि चलो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश जिनका बैकग्राउंड नहीं रहता, क्योंकि बेचारे देखो यार शुरू से ही वो डेवलप CBSE स्कूल में नहीं पढ़े हैं, हिंदी पढ़े, तो एक रेलवे उम्मीद है कि रेलवे के फॉर्म भरेंगे अपना हिंदी में से, उनमें सिलेबस अंग्रेजी नहीं रहे तो वो उसके थ्रू अपना सपना को पूरा करेंगे। अब उसमें भी ऐसा होता है, एक तो योजना पंचवर्षीय योजना बना के रख दिया इन्होंने, योजना के बाद भी आपका 5 साल के बाद भी एग्ज़ाम का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, बहुत प्रोटेस्ट हुआ सरकार बनाने के चक्कर में, लोगों ने वैकेंसी दे दिया, रेलवे LP दे दिया, टेक्नीशियन हड़बड़ी में निकाल दिया, जैसे तैसे ये कर दिया, शेड्यूल दे दिया कि शेड्यूल पे होगा ये, बहुत बड़ा बड़ा बात किए हैं रेलवे बैच में जी, उस समय याद होगा जब इलेक्शन का टाइम था, कहाँ गए, कोई ठीक ठिकाना नहीं है यार, यहाँ पे एग्ज़ाम टेंडर LP का प्रस्तावित है, अगस्त जुलाई से अगस्त में एग्ज़ाम हो जाना, कोई टेंडर का गारंटी नहीं है, क्या है ना, कोई माई बाप नहीं, कोई नोटिस नहीं आया ये एग्ज़ाम इतना शिफ्ट होने वाला है, ये है वो एडमिट कार्ड, कुछ नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करोगे, इसी गम के बीच लोग तैयारी भी कर रहे हैं, उम्मीद है कि चलो इसी घटिए सिस्टम में रह करके आप तैयारी करो, कभी ना कभी तो होगा, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है, क्या करोगे, शुरू से हम लोग साथ ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ, और उम्मीद तो है कि आगे भी होता रहेगा, लेकिन कामना कर सकते हैं कि अभी सुधर जाए। तो एक मुहिम में आप लोग जुड़ना आपके अपने हक के लिए, ये मत देखो यार कि मैं नहीं करूँगा तो बहुत सारे लोग करेंगे, क्योंकि हर एक ऐसा ऐसा बंदा लोग सोचेगा तो ये क्या शक्ति हमारा कमज़ोर पड़ जाए, और इस शक्ति को कम मत होने दो, आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट अपने लिए, अपने हक के लिए भी, जो कोई फॉर्म नहीं भी भरे, जो RPF की भी तैयारी करे, वो लोग भी इस आंदोलन में जुड़े, मुहिम क्या कर सकते हो, एक ही सहारा है, डायरेक्ट रोड पे आने से पहले देखो क्या कुछ होना तो चाहिए। तो आप लोग इस मुहिम में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आग्रह करता हूँ। और बाकी हाँ बता दूँ, जो कोई भी LP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत मुझे खुशी हो रहा है ये बात बताते हुए कि अभी जैसा कि मैं साइंस का क्लास ले रहा हूँ, साइंस में आपको जैसे कि LP में 9th और 10th का NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मेरा टारगेट है पूरा करना, तो उसी आप ही का डिमांड पे बहुत सारे लोगों ने बोला था सर बेसिक से स्टार्ट कीजिए 9th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो मैंने 9th से बेसिक से केमिस्ट्री का Chapter 1 हमारे आसपास के पदार्थ, फिर उसके बाद पदार्थों का वर्गीकरण जैसे बिलियन बिलायक बिले आ गया कोलाइड, सब 2 टॉपिक को पढ़ा दिया गया। आप मेरे पुराने वाले चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना, 9th NCERT क्लास 9th साइंस एंड केमिस्ट्री में सारा बना हुआ है अभी तक, ठीक है। जैसे ही PDF होगा मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। पूरा क्लास को देखो, जिनका साइंस एकदम कमज़ोर है, जो साइंस बैकग्राउंड के लिए है, उनके लिए डेडिकेटेड क्लास है, और ऐसा क्लास आपको यूट्यूब पर बहुत कम जगह मिलेगा, बहुत टीचर है, बहुत अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन एक क्लास करके देखो आपको सबसे अलग मिलेगा, और इसका मुझे विश्वास, बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे मेल कर रहे पर्सनली कि सर इस क्लास को आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, अभी तक यूट्यूब में मुझे ऐसा क्लास नहीं मिला, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पेड कोर्स में भी उतना कंटेंट आपको नहीं देंगे जो मैं फ्री में दे रहा हूँ। विश्वास करोगे आप, मेरा जो अभी चैनल है ना, वो चैनल पूरी तरह से डेड समझो, ठीक है। इसीलिए मैंने वो नया चैनल भी खोला है, क्योंकि पता नहीं कुछ इश्यू के कारण, यूट्यूब का नया पॉलिसी के कारण, फिर भी मैं लॉस में जा करके अपना समय निकाल करके ऑफलाइन पढ़ाने के बाद जो समय निकलता है, मैंने ऑफलाइन के जो पेड बच्चे हैं उसका क्लास को मैं फ्री रिकॉर्ड करके आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। जो उतना बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो उसको जा करके देखो। इसके जा सर की बुक की है, वो भी है, इसके जा सर का सब बहुत सारा लोग बुक खरीद तो लेता है लेकिन पढ़ नहीं पाता ढंग से, MCQ नहीं लगा पाता, तो वो भी मैंने स्टार्ट किया, उसमें भी यूनिट डायमेंशन ख़त्म कर दिया, स्केलर ख़त्म कर दिया, वो भी करता हूँ। कभी कभी वीडियो नहीं आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि आप एक पढ़ाते एक ख़त्म करते, भाई हमारे भी मजबूरी है, समय हमको भी नहीं मिल पाता, सुबह उठना पड़ता है 6 बजे, ये सब चीज़ें हैं। मेन मुद्दा जो है आप लोग कल के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, बाकी बात करेंगे। और ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, अपना है, अपने भाई का चैनल है, जो मुझे समझते हो छोटा भाई बड़ा भाई, सब्सक्राइब कर लिया और शेयर कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े लोग। चलो धन्यवाद, जय हिंद।